और दीदी डरे नहीं, थोड़ा सा आप अच्छे से शीतल होकर बैठिए। दीदी बताइए बहन क्या पूछना है। जी मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा है, कहाँ से आई हैं? भोपाल से आई। हमने लिखा है, सुनिए, आप पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ी लिखी हो? क्या लिखा पहले हमने सुनी? अंकिता दुबे। आप क्या लिखा, नाम क्या लिखा? अंकिता दुबे। दुबे कहाँ लिखा है? दुबे। हाँ, आपको क्या दिक्कत है? मानसिक रोग। हमने क्या लिखा पहले? मानसिक रोग से। हमने लिखा अंकिता दुबे मानसिक रोग है, लाभ होगा, कृपा होगी, मनोरथ पूर्ण होगा, चिंता ना करें, सन 2024 तक पूर्ण रूप से तंत्र कटेगा, लाभ होगा शीघ्र ही। जलेबी दूध कन्या 2100 रुपए की पुष्पावती घाट से लेकर मंदिर परिसर में कहीं भी कन्या भोज अपने हाथ से कराएं, तत्काल लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। दो बार बोले हमने, इसमें विद्वान लोग दो बार सुनिए। हमने कहा तत्काल शीघ्र लाभ मिलेगा, तत्काल माने अभी, शीघ्र, तत्काल माने शीघ्र। और फिर एक लाइन कॉल उसके पहले क्या बोली कि 2024 तक पूर्ण लाभ, लेकिन आपकी दवा छूट जाएगी, आप साइकोलॉजिकल दवा खा रही हैं। बोलो हाँ है ना जी। बोलो हाँ है ना जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यहीं तक नहीं, जो 2100 रुपए में बता रहा हूं वो सुनिए। अंकिता दुबे, आपकी शादी 9 जून को 2011 में हुई है, हुई या नहीं बोले? जी सही। यदि मैं नहीं बता पाया, जिस दिन बताने में असमर्थ हो जाऊंगा, जैसे हमारे बड़े बिल्डों को दिखना बंद हो जाता तो आंखें बनवाते हैं, और आंखें दिखना बंद हो जाता है तो हार खेत का काम बंद कर देते हैं, उस दिन यदि हमारी बुद्धि विस्मृत हो जाएगी, मैं उस दिन गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मेरी बात सुने, लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी बात ही नहीं लिखी, अति असंभव। यदि जब तक मेरे हाथ में कलम है और तुम्हारे माइंड में सोच शब्द चल रहे हैं, मैं वहां तक कलम चलाऊंगा, छोड़ूंगा भी नहीं, पीछा भी करता हूं। और जहां तक माइंड बंद होगा उसके पहले मेरा कलम बंद हो जाएगी, पहले, बिफोर। और सुनिए, आपकी शादी 9 जून 2011 में हुई, बोलो हाँ या नहीं? जी। कितनी तारीख में हुई? 9 जून। इनके परिवार के परिजन के लोग कुछ सुन रहे हैं क्या? इनके परिवार के लोग आए, कुछ लोग आए, कौन है? इनकी शादी कितनी तारीख को हुई बताइए वहां से। 9 जून 2011। 18 जुलाई को पुत्र हुआ कि नहीं? 2012 में हुआ कि नहीं? जी। आप लोग कह के हमें नहीं बताया है, तो मैं नहीं बताया, तुम्हारे किस पास गया? और किसी ने मुझे बताया हो, इसने, इनके माता ने, पिता ने, परिवार ने, तो घोषणा करके बताया कि महाराज आपने पहले से जानकारी ले ली थी मेरे से, या मेरे किसी ने ले ली है। ऐसे ही नहीं बैठा हूं पर, कुछ बात गुरुदेव की कृपा से बैठा हूं, किसी के एहसान में नहीं बैठा हूं। दूसरा पॉइंट, अभियुक्त कुमार, आपने अपने बच्चे का नाम रखा था, बोलो हाँ या ना? क्या नाम है आपके नाती का, आपकी बेटी के नाते बच्चे का? सही बोल रहा हूं या गलत? आइए दूसरी ओर, आपके ससुर का नाम सुरेश कुमार है, इस बेटी के, बोलो है या नहीं? आप लोग का पंडित का चिल्ला चिल्ला के मुझे दबा दे, पागल क्यों दब रहे हो? जनता दादी, मैं आपसे कहूं पूछा दादी से कि तुम्हारे पिताजी का नाम रामलाल है, तो मानोगे? आए भैया लोकल, वो पंडों का तेजी से बोलता है ना, तो मैं डर जाता हूं। फ्री में डर गए क्या भाई? जब चाहो, जहां चाहो वहां दरबार लगाने के लिए बात दूं, और मैं आने के लिए बात दूं, लेकिन अमावस्या से दसवीं नहीं होना चाहिए। यदि अमावस्या से दसवीं होगी तो काल भी बुलाएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां नियुक्त हूं मैं। बदली यहां आ जाएगी, बदली यहां आ जाएगी तो ट्रांसफर भी करा लूंगा। हमारे यहां गवर्नमेंट खड़े सिक्योरिटी वाले, जब बदली आ जाती है तब दूसरा ट्रांसफर हमारा गवर्नमेंट जाता है। तो यदि कोई बदली यहां आ जाएगी तो मैं चला जाऊंगा, मेरे बाप की बात होती है, मैं यहां से नौकरी कर रहा हूं, जहां उनको जरूरत होगी वहां भेज देंगे, मैं वहां चला जाऊंगा। अब वो कहेंगे रिटायरमेंट, हम रिटायरमेंट हो जाएंगे, भला क्या दिक्कत है, कोई सरकारी नौकरी वाले थे, खूब कह दिया बाबा ने, खूब नाम दिया, लेकिन बेइज्जती होकर नहीं उतरूंगा। और बेइज्जती किसी की भी हो, वो व्यक्ति कोई काम का नहीं, न्याय नहीं मान पाया तो अरे हार हो जाएगी, हो जाने दो, लेकिन न्याय के लिए लड़ो, सत्य पूछो, सत्य सुनो। यदि गलत सुन के रह जाते हो तो आप इंसान नहीं है, इंसान के नाम पर कलंक हो। आइए, आपकी सास का नाम राधा है, और यहीं तक नहीं, मैं 10-10 पर्ची तक नहीं छोड़ूंगा पीछा, मैंने बिफोर लिखा है, इसका मतलब है बिफोर एनी बिफोर। अब ऐसा नहीं ऊपर लिखा नीचे लिखा बीच में छोड़ दो रिक्त स्थान, और जैसी कहीं उन्हें उठाओ, ये रखा कलम, और जहां ताकत है तो रोक पा, जहां हाथ पकड़ में ताकत तो रोक ले, लिखा है तो लिखा है, क्या दिक्कत है?
कलम चलाऊंगा जब मैं अपनी कागज जब पढ़ के दूंगा संतुष्ट हो जाओ तुम, फिर हम चाहे फाड़ रह जाए चाहे जाओ हम दूसरों पर्चा लिखे वो होमेटर हमारे कार्यालय से जब ही देंगे कागज जब सील से लगा कर पढ़ के गलत तो नहीं लिखो। जब तक कागज मेरे टेबल पे है वो मेरा है और कागज यहां से निकल गया तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। मैं पर्चे को 10 बार पढ़ता हूं उसके बाद आप ही लोगों ने बताया कि कागज जब तक टेबल पर है तब तक मेरा है और लीक हो गया तो सीधा कलम फंस गई और कलम फंसने के लिए यदि बाबा ने कलम फंसाना होगा तो फंसा दे क्योंकि तो फंसाने वाले वो निकालने वाले भी वही है। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि मुझे निकाल दो। दूसरा पॉइंट, आपकी जिठानी गणेश चतुर्थी के दिन आग लगा के मरी, बोलो हाँ या ना, और घास ले डर के लिए मरी वो बनी है शैतान और शैतान प्रेत बनने के कारण ये बच्ची का मानसिक साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हुई। यहां तक कि ग्राम हरसुत सासू मां का परिवार हरसुत का है, मतलब इनकी सासू मां इनके पति के ममाना हरसुत में है, बोलो है नहीं। वहां से एक शक्ति आई क्योंकि उनके मामा की भी मृत्यु ऐसी हुई है उनका पता नहीं वो कहां गए, जिंदा गए हैं मरे नहीं है, बोलो सही कह रहा हूं गलत बताइए आप लोग। आइए तीसरा पर्चा, क्योंकि दादाजी ने कहा कि जब तक मतलब का प्रश्न नहीं आएगा संतुष्ट नहीं होना चाहिए और मैं कहता हूं कि मत होइए क्योंकि आपने फीस दी है। मैं एक पर्चा बनाऊंगा लेकिन इतना बनाऊंगा उसके बाद गति बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात कही अटल रहना चाहिए। आइए आपके बेटी के दामाद, अब आइए मैया से बात चल रही है, आपके बेटी के दामाद के पिताजी का नाम सुरेश कुमार है और उनके पिताजी पितरयोनी में है जिनका नाम रामचंद्र है, वो है ना, उनका स्थान देने पड़ेगा लाभ मिलेगा। यहीं तक आइए फिर चलते बनाएंगे। आपका आकृति गार्डन वर्तमान में आपका निवास है जी, मैं आपका गांव निवास बता रहा हूं, आपकी बेटी है ये और आपका निवास आकृति गार्डन में है, ऐसे बात मिले तो ताकत है। इसकी फीस ले रहा हूं, फ्री में नहीं ले रहा हूं, माइंड ट्रेनर ये माइंड से खा रहा हूं। क्या शक्ति हो हमारे पास ना हो हम तो क्या कछु भी हो, ये जानकारी हमारे पास आई कहां से तुम बता दो हमारे, हम तो डबल ले जाओ। दूसरा पॉइंट, वर्तमान में मतलब यहां पर मकान नंबर 96 है 96 और कोड है B B96 और ये वन विभाग की कोठी है। आप वन विभाग के विभाग की कोठी का नंबर ले लाओगे? हाँ बोलिए। हाँ जी, आपके वन विभाग की कोठी है ये, शासकीय कोठी थी और इसमें वर्तमान में ताला पड़ा है और इसमें आपका निवास नहीं है, है क्या B96 जी? आप आइए शासकीय भवन 50/25 जी, आपका एक दूसरा भवन है सरकारी मकान पर, ये सरकारी भवन है वर्तमान निवास भवन है, दोनों मकान के नंबर प्रस्तुत हो गए, इसमें व्याधि का कारण है, ये शक्ति यहां छुपके बैठी हुई है। एक भवन ससुराल के किराए पर अमृत पैलेस नामक जगह में आपके पति ने शादी के पहले, आप दिल्ली में जब जॉब करती थी और जब वहां से लौट के आए तो एक आकृति आपने आपके अमृत पैलेस में आपका एक भवन है जो किराए पर दे रखा है आपके ससुराल वालों ने, बोलो हाँ है ना, धन्यवाद। आइए ब्यौरा चलिए, आपका मकान का भवन नंबर है 42 और आपके घर में संशोधित तंत्र क्रिया आपके घर के व्यक्ति नहीं कराई है, लाभ होगा आशीर्वाद है। आइए इसके बाद और प्रतीक हो सकते हैं, बात करो। तो मेरा कहने का मतलब है हनुमान जी वाली की सहायता से आप 2111 रुपए की सुबह जलेबी कन्या भोज करा देना और कल से ही ठीक और अगले महीने तक लाभ आपको एक इंच एक नामत ना दिखाई दे, एक 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 पैन की नुक बराबर तो मैं 1×10 दूंगा। धन्यवाद सरकार की जय। ठीक है, ये हमारी आपसे हुई प्रतियोगिता और ये हमारा हुआ पर्चा, इस पर्चे को लेमिनेशन करा के रख लीजिए भैया जी, लीजिए देखो भैया पर्चा दिखाओ कितना दिखाना है। हमने लिखा प्रश्न नंबर 7 पहले दिखा रहा हूं, अब आइए 5 जो पहले दिखा चाहिए था वो बाद दिखा रहे हैं। चलो चलो, लेकिन अभी पर्ची में आप घसड़ा घसड़ी करेंगे वो भी चाहिए थे तो या फिर लिखा तो फिर दिखाना पड़ेगा, कहेगा नहीं मतलब क्या, लीजिए लाइव पीछे। अब मैं इस पर दे रहा हूं मंत्र, अब बता रहा हूं मैं उपाय, इसमें पीछे लिख रहा हूं उसको कर लीजिएगा, सफलता मिल जाएगी। महाराज जी और अपने बड़े बुजुर्गों से मैं पुनः आशीर्वाद की कामना करता हूं,
महापुरुषों से आशीष की याचना करता हूं, क्योंकि ये गद्दी से बैठकर भी कोई अपशब्द निकले हों तो मैं गुरु होने के नाते भी, और क्योंकि महापुरुषों के बीच में जब संत बैठे हूं तो मुझे भी अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पहले प्रधान संत है उसके बाद कोई दूसरा, क्योंकि हमारे सामने संत ये है। लीजिए मैंने इसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ये पर्चा में लेमिनेशन करा लीजिएगा, और सुबह 2101 रुपए की कन्या भोज दूध जलेबी से, और उसमें दो जलेबी हमें जरूर दे देना, हमारे कमरे में तो भिजवा देना। प्रसाद तो मैं बहुत मांग के खाता हूं, रोटी खाऊं ना खाऊं लेकिन प्रसाद नहीं छोड़ता हूं मैं, घर में कोने में रखवा तो नहीं छोड़ता हूं, चाहे वहां मैं इन्फेक्शन हो चाहे किडनी खराब हो चाहे लीवर खराब, मैं नहीं छोड़ सकता, और जाके वो ना खावे। जाइए बेटा।